नमस्कार, मैं रजन ओझा इंडियन सिटीजन टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं। पालघर के शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित पर उनके ही गैस एजेंसी में काम करने वाली एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए नयानगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। महिला के अनुसार सांसद उन्हें एक लंबे समय से परेशान कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इन्हें अपनी छवि खराब करने का एक कोशिश बताई है। नयानगर पुलिस स्टेशन ने मामले को दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। देश में राजनीतिज्ञों के ऊपर महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। देश में हर दिन कहीं ना कहीं से इस तरह के खबरें अखबार की सुर्खियां बनती रहती है। ताजा मामले की बात करें तो मीरा रोड की एक 38 वर्षीय महिला ने महाराष्ट्र के पूर्व आदिवासी कल्याण व वर्तमान में पालघर से शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ व धमकी देने का मामला नया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया है। महिला शिवसेना सांसद की गैस एजेंसी में एक लंबे समय से कार्यरत है। महिला के अनुसार गावित लंबे समय से उसके यौन उत्पीड़न की लगातार कोशिश कर रहे थे, जिसकी फरियाद लेकर वह कई पुलिस स्टेशन गई, लेकिन सांसद के रसूख के आगे उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में जब उसने पुलिस के आला अधिकारियों के आगे अपनी आपबीती सुनाई तो उनके आदेश पर नया नगर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया है। एक्चुअली सर, मैं भारत गैस पे 2004 से काम पे आई थी और मुझे मेरे लड़का के एडुकेशन के लिए काम की जरूरत था। घर पे कोई नहीं है ना, तो मुझे जॉब करना था। मैं पहले जॉब कर रही थी तो सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था और मैंने तभी उनको बोला था कि मुझे कंप्यूटर कुछ आता नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, नहीं कंप्यूटर आता है लेकिन भारत गैस का पैकेज नहीं आता और मेरा पहला जॉब है। उन्होंने बोला किस लिए जॉब करोगे, तो मैंने बोला था कि मेरे मिस्टर है नहीं और बच्चे को पढ़ाने के लिए जॉब करना है। तो बोला ठीक है, तुम्हें काम सिखा देगा। बोले काम पे रखा था, फिजिकल रिलेशन रखोगे तो तुम्हें मैं घर, पैसा, तुम्हारे बच्चे का एडुकेशन सब कर दूँगा। बोला सर मुझे ये सब करना नहीं है, मुझे सिर्फ काम ही करना है। मुझे बुरा काम करना होता तो मैं 3,000 में क्यों आपके पास जाती। आप मुझे काम दिया इसके लिए थैंक यू, अब आपका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा बोला। तो फिर चले गए। और बीच बीच में उनको बुलाते थे कितना पैसा तुम्हें चाहिए, एक ही बात कितना पैसा तुम्हें चाहिए मेरे साथ रहने के लिए, एक ही रोज़ एक ही बात बोलते हैं। ऐसा करके बहुत दिन गया। देखिए, मुझे सर से खतरा है कि सर कभी भी कुछ भी कर सकता है। मैं इसलिए मेरे लड़का को लेके, मेरी बहन को लेके छुपा हूँ, क्योंकि कि वो बड़े आदमी हैं, कंप्लेन के बाद वो कुछ भी बुरा कर सकता है और मेरा तो कोई है ही नहीं सर। तो मैं मेरे जान को बचाने के लिए छुपूंगी ना, इसलिए मैं छुपी हूँ। क्योंकि सर मुझे बार बार बोला कि तुम्हारा क्या औकात है, 10,000 का नौकरी है, इधर से निकाल दूंगा तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ये लैंग्वेज हर दो तीन छोड़ छोड़ के बोलते हैं। और जब वो कुछ भी अननेसेसरी अंदर बुला के अपने मर्जी से कहाँ पे भी हाथ दे देता है, उनके खिलाफ़ बोलने जाओ तो पुलिस कोई कंप्लेन नहीं लेता। और इतना सादा बन के रहता है लेकिन वो सादा इंसान है ही नहीं। महिला के आरोप पर शिवसेना सांसद ने पलटवार करते हुए उसके ऊपर ही चोरी का आरोप मर दिया। राजेंद्र गावित के अनुसार उनके गैस एजेंसी में कार्यरत ये महिला लंबे समय से गैस की कालाबाजारी कर रही थी, जिसे उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा भी था और इसकी शिकायत भी पुलिस में दर्ज करवाई थी। सांसद महोदय की शिकायत पर महिला को 6 दिन की जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। बावजूद इसके यह महिला राजेंद्र गावित की गैस एजेंसी में काम करती रही। गावित के अनुसार महिला द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार है। यह उनकी राजनीतिक छवि खराब करने की एक सोची समझी साजिश है। शिवसेना सांसद किसी भी जांच का सामना करने के लिए खुद को तैयार बताते हैं। माजी गैस एजेंसी, भारत गैस एजेंसी म्हणून मीरा रोड येथे कार्यरत आहे। त्या ठिकाणी माझा मॅनेजर हृदय किनी आणि प्रभाकर कारभारी जे कॉम्प्युटर ऑपरेट करत होता आणि देवी कोली नावाची बंगाली एक मुलगी माझ्याकडे कामाला आहे। या तिघांनी 2015 ते 2020 दरम्यान 1 कोटीच्या आसपास त्या ठिकाणी त्यांनी अफरातफर केली। मी त्या ठिकाणी तपासणी केली आणि 26-11 मी प्रत्यक्ष त्यांना जे काळा मार्केटमध्ये जे काळा बाजार करणारे जे सिलेंडर मी प्रत्यक्ष रंगेहात पकडले आणि त्यामुळे मी मीरा रोड येथे पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला
त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 6 दिवस त्यांना पोलीस कस्टडी देण्यात आली आणि पोलीस कस्टडीनंतर त्यांना जामीन मिळाला आणि जामीन मिळाल्यानंतर त्यांनी शूर बुद्धीने देवी कोली नावाच्या महिलेने 2000 तिच्या म्हणण्यानुसार म्हणजे 2005 मी काहीतरी चुकीचं केलं असं तिचं म्हणणं आहे. परंतु मी आपल्याला सांगू इच्छितो की 2005 आणि 2020 म्हणजे 15 वर्षापर्यंत तिने कुठल्या प्रकारे तिने तक्रार दाखल केली नाही. या 3 कर्मचाऱ्यांना मी निलंबित केलं आणि निलंबित केल्यानंतर त्यांनी त्या ठिकाणी अशा प्रकारे माझ्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे. पीडित महिलाने राजेंद्र गावित पर और भी काही गंभीर आरोप लगाए हैं. साथ ही पुलिस प्रशासन से शिवसेना सांसद से अपनी जान का खतरा भी बताया है. इस मामले में कौन सच्चा है और कौन झूठा यह तो पूरी जांच खत्म होने के बाद ही पता चलेगा. लेकिन सांसद महोदय, हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि बिना आग के कभी धुआं नहीं निकलता. मुंबई से इंडियन सिटीजन टीवी के लिए इम्तियाज खान के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट.